Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture, that is pumping system. We will discuss in today's lecture about different kinds of pumps and working principle of different pumps and its types and its components, etc. First of all, how we can define the pump? We can define it with respect to different angles. The primary function of pump is to impart energy to fluid. Basically, इसमें होता ये है कि ये इसके साथ मोटर लगी हुई है और ये पंपिंग प्लांट है, पंपिंग सिस्टम है और इसके साथ मोटर को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो कन्वर्ट करती है इसको इसके लिए, इस जो मोटर है वो उसके लिए इनपुट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि फर्दर इसको पंप को मिलती है और ये उसको हाइडल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर तो हमारे पास है मोटर तो इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर हमारे पास मोटर नहीं है, इंजन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंजन में ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि पिटन इंजन है उसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह मैकेनिकल एनर्जी होगी विच इज़ कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो जिस जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अबंडेंटली अवेलेबल है हम मोटर यूज़ कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है या यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है, देन वी कैन यूज़ इंजन एट दैट प्लेस। तो हम पंप को, पंप की डेफिनेशन इसमें, इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि लोअर लेवल से लेकर से अपर लेवल तक पानी को पहुंचाने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज पंप, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर को सर्कुलेट करना हो, जैसे कि जो हमारे पास इंजन होता है उसकी जो हीटिंग है उसको रिमूव करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है, तो उसके लिए जो वाटर की सर्कुलेशन है वो भी हम इस पंप के थ्रू करते हैं, वहाँ पर भी पंप यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम है जिसमें स्प्रिंकलर है, बबलर है और ड्रिप इरिगेशन है, वहाँ पर भी हम इरिगेशन जो है वो इस पंप के थ्रू ही करते हैं। तो व्हाई वी स्टडी पंप्स, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। फर्स्ट वन इज रेनफॉल, सेकंड वन इज सरफेस वाटर एंड थर्ड वन इज ग्राउंड वाटर। फर्स्ट वन दैट इज रेनफॉल या रेन वाटर, दैट इज नाइदर रिलायबल नॉर सफिशिएंट, ना तो ये इतनी काफ़ी है कि हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हो और ना ही ये मुनासिब है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी को और ड्यूरेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते एज इट इज़ नेचुरल। अब हमें अगर इरिगेशन पर्पज़ के लिए पानी की ज़रूरत है तो हम चाहें कि आज रेनफॉल हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि इसका एक अपना पैटर्न है, एक अपना सीज़न है। जैसे पाकिस्तान में जून जुलाई और अगस्त में ज़्यादातर, जुलाई और अगस्त में ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो हम अपना इरिगेशन सिस्टम जो है वो इस बुनियाद पर डिज़ाइन नहीं कर सकते। और सेकेंडली हमने डिस्कस किया था सरफेस वाटर के लिए, हमने कंपोनेंट्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम पढ़े थे जिसमें वाटर शेड से लेकर हम तरतीब से, जिसमें बैराज, हेडवर्क और मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल वगैरह इस तरह की चीज़ें थीं, और एंड पर हमारे पास वाटर कोर्स से होता हुआ पानी फील्ड तक पहुंचता था। पूरा वो इरिगेशन का निज़ाम था, उसके ज़रिए हमारे पास सरफेस वाटर हमें मिलता था, और उसके लिए वारा बंदी सिस्टम जो है हमारे पाकिस्तान में जो मोस्टली चलता है उसको हम फॉलो करते थे। तो वो भी सफिशिएंट नहीं है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हमें अल्टरनेटिवली ग्राउंड वाटर यूज़ करना पड़ता है। तो ग्राउंड वाटर हम पंप के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं, पंप लगाकर हम उसको वाटर को ऊपर निकालते हैं, तो जो डिवाइस यूज़ की जाती है पानी को नीचे से ऊपर लाने के लिए फॉर इरिगेशन पर्पसेस दैट इज़ कॉल्ड एज
पंप। तो हमारा 50% जो है ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है फॉर इरिगेशन पर्पसेस, और यू कैन से दैट 50% ऑफ क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट बीइंग फुलफिल्ड बाय यूजिंग द ग्राउंड वाटर। तो इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। फर्दर दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पंप्स, फॉर एग्जांपल इम्पेलर। फर्दर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इम्पेलर, ओपन इम्पेलर, क्लोज इम्पेलर एंड सेमी ओपन इम्पेलर। And second one is IF impeller, then shaft, stuffing box, casing, footwall, suction pipe, delivery pipe and strainer. Let us discuss these components one by one. First one is impeller. This is called as impeller. It is used in centrifugal pump. ये impeller है, ये इसके साथ vanes लगे हुए हैं जैसे मदानी के होते हैं। तो ये semi open impeller है जो इस वक्त नज़र आ रहा है। तो आगे जाकर आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि तीनों की शक्ल किस तरह की होती है। अगर ये सिर्फ जो हैं पर हों, ये वेन्स हों, तो उसको हम ओपन इम्पेलर बोलेंगे। अगर एक साइड पर ये केसिंग सी लगी हुई है तो उसे सेमी ओपन, और अगर दोनों साइडों पे केसिंग लगी होगी तो फिर ये वेन्स नज़र नहीं आएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इम्पेलर। तो ये इसकी थ्री काइंड्स है। ये हो गई सेमी ओपन इम्पेलर। आगे आप जाकर ये देखें, इसमें जो इम्पेलर लगा हुआ है सिर्फ इसके वेन्स नज़र आ रहे हैं खाली। दिस इज कॉल्ड एज ओपन इम्पेलर। सेकंड वन इज आई ऑफ इम्पेलर। इसके सेंट्रल पोर्शन में एक सुराख होता है, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ इम्पेलर। देन शॉफ्ट। शॉफ्ट इज द कनेक्शन बिटवीन द मोटर एंड पंप। ये जो दरमियान में जो रॉड सा है दैट इज कॉल्ड एज शॉफ्ट, जिससे जो मोटर से एनर्जी है वो पंप की तरफ इस शाफ्ट के जरिए ही जाती है। देन स्टफिंग बॉक्स है। ये वाला जो केसिंग है, बाहर वाला खोल या कवर जिसके अंदर शाफ्ट लगी हुई है, उसको हम बोलते हैं स्टफिंग बॉक्स। और अगला इसका पार्ट है केसिंग। तो इम्पेलर जिससे ढका हुआ है, ये वाली जो बाहर उसका कवर है इम्पेलर का, उसको बोलते हैं केसिंग। फिर है फुट वॉल। ये पंप के बॉटम पे लगा होता है। इसका फायदा ये है, इसका पर्पस ये है कि अगर ये नहीं होगा तो वाटर कैन बैक फ्लो। पानी जो है उसको वन डायरेक्शनल रखने के लिए हमने फुट वॉल नीचे बॉटम पे लगाया होता है। अगर ये ना लगाएं तो पानी जो है वापस भी जा सकता है नीचे, तो इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। ये पानी को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बस ऊपर से नीचे की तरह पानी को रोकता है। फिर सक्शन पाइप, जिस तरफ से पानी ऊपर चढ़ रहा है। और डिलीवरी पाइप, ये पूरे पंप से होकर, मोटर पंप सारा सिस्टम से होकर जहाँ से हम ले रहे हैं पानी, उस पाइप को बोलते हैं डिलीवरी पाइप। फिर स्ट्रेनर। स्ट्रेनर आगे जाकर आपको इसको भी दिखाऊंगा। ये नीचे छाननी से लगी होती है, जिससे वो जो चीज़ें हैं छोटी मोटी रेत वगैरह उसको रोकता है ऊपर आने से। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप, और ये जो टाइप्स ऑफ पंप्स हैं वो किस की बुनियाद पर हमने इसको टाइप्स बनाई हैं, क्लासिफिकेशन इसकी की है किस की बुनियाद पर। तो ये फर्स्ट वन है एनर्जी इम्पॉर्टेड टू द फ्लूड, इस बेस पर इसकी काइंड्स हैं। फिर पोजीशन ऑफ पंप, नंबर ऑफ स्टेजेस, ज्योमेट्री ऑफ इम्पेलर एंड द मटेरियल और लिक्विड बीइंग हैंडल्ड। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इम्पॉर्टिंग एनर्जी टू द फ्लूड, इसमें फर्स्ट वन है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप। सेकेंड वन दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। थर्ड वन जेट पंप। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ पंप, डीप वाटर टरबाइन पंप है, फिर सबमर्सिबल पंप है। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेजेस, इसमें सिंगल स्टेज है और मल्टी स्टेज पंप है। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ द इम्पेलर, जिसमें एक्सल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो, रेडियल फ्लो है। फिर मटीरियल हैंडल्ड, इसमें इरीगेशन पम्प कौन से हैं, ड्रेनेज पम्प और सीवेज पम्प। तो इसको हम वन बाई वन करके इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो होता है जिसमें
इम्पेलर जो आपने देखा था वो नहीं लगा होता, बल्कि इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट होती है और पिस्टन होता है, और टू एंड फ्रो मोशन होती है, यानी आगे पीछे दाएं बाएं जैसे ये मूव कर रहा है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये सक्शन है, ये सक्शन वॉल्व है, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ रहा है, इस तरह का इसके अंदर मैकेनिज्म होता है। यहाँ से ये सक्शन पाइप है, ये डिस्चार्ज पाइप है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म, यू कैन वॉच हेयर। तो इसका ये है कि जितना पानी हमने निकाला है उतना ही हम आगे यूटिलाइज भी करेंगे। अगर हम सक्शन पाइप से एक क्वांटिटी वाटर की आ रही है और उतना पानी अगर हम डिस्चार्ज पाइप से नहीं निकालते तो पाइप फट सकता है, पंप को नुकसान हो सकता है। इसका जो है वो घरों के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता कि जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतना आगे से डिस्चार्ज पाइप से आउट भी होना चाहिए। अगर आउट वॉल बंद कर दिया जाए तो फिर पाइप फट सकते हैं और पंप को भी नुकसान होगा। जो घरों के अंदर यूज़ होते हैं वो आगे आएगा, वो आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो इसकी एग्जांपल है हैंड पंप, यानी कि नलका। अगर आपने कभी यूज़ किया हो नलका तो उसके अंदर भी पिस्टन और ये जो मैकेनिज्म आपने देखा है क्रैंकशाफ्ट वाला, टू एंड फ्रो मोशन के थ्रू तो पानी को पंप किया जाता है, और जितना पानी नीचे से ऊपर आ रहा है अगर आप आगे हाथ रख लें नलके के तो वो ऊपर वाले हिस्से से निकल आएगा। तो वहाँ तो इस तरह का सिस्टम है, अगर यही सिस्टम घरों में लगा वाले पंप में लगा दिया जाए तो फिर पंप को नुकसान होगा। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंगल सक्शन और डबल सक्शन। सिंगल सक्शन और डबल सक्शन, इसकी दो काइंड्स हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप। अच्छा, सिंगल सक्शन और डबल सक्शन ये है कि सक्शन जो है इसमें एक साइड पर होती है, डबल में दोनों साइडों पे होती है, और इसका मकसद है डिस्चार्ज रेट ज़्यादा करने के लिए। डबल सक्शन अगर होगी तो ज़ाहिर बात है डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर एक इम्पेलर होता है, जैसे आपने पीछे देखा था उसकी आई होती है, और इनलेट सक्शन पाइप यानी कि उसमें से पानी आता है, और इम्पेलर के जो वेन्स हैं वो उसके साथ टकराता है, और यूं इस उसके बाहर वेन्स के बाहर जो है वो केसिंग लगी हुई है, ये वाली ये केसिंग है, और पानी जो है वो इसके साथ टकराता है, और जो के इसकी काइनेटिक एनर्जी को, वेन्स की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यूं यहाँ से पानी बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। और इनलेट साइड पर जहाँ से ये पानी आ रहा है वहाँ से जो नीचे ज़मीन से सक कर रहा है वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, सक्शन क्रिएट होगी। जैसे हम बोतल पीते हैं तो पाइप के अंदर, स्ट्रा के अंदर सक्शन क्रिएट होती है, तो इसी तरह इसके अंदर भी इनलेट साइड पर सक्शन क्रिएट होगी और वाटर मूव करेगा ऊपर की तरफ, और ये टकराएगा वेन्स के साथ, वेन्स से फिर इस केसिंग के साथ टकराएगा और यूं बाहर निकल जाएगा। यहाँ इसकी वीडियो है, Hi guys, welcome to howmachineworks.com. Today, let's learn how a centrifugal pump ये actually works देखिए with the मेरे help of पास this animation. इंपेलर है, So, let's identify यहाँ all से the पानी components initially, और ये then इस we'll तरह see the मूव कर रहा है। animation and understand its detail working. So, and we have the vacuum बाकी gauge इसके over डिफरेंट here. पार्ट्स हैं। Then come. So finally, the water reaches the water enters through the suction strain, the foot valve, the foot gauge. So you can see. So this is called as volute or there the impeller is rotating. And the water enters the impeller as it rotates and it moves outside. Centrifugal pumps impart centrifugal force to water particles, and the water moves at suction side. Water is ये getting इसकी आई displaced, है, so a negative ये pressure will be इम्पेलर induced at eye, negligibly small to suck fresh stream of specialty of casing.
result in increase in static pressure. Girlscar pump model. Configuration. A dangerous phenomenon could happen. Side of impeller goes impeller materials over time lift water. This fact upon application. If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use arrangement is imperative in arresting but at suction side of impeller arrangement is imperative in arresting water leakage through shaft casing clearance. Mechanical seal or stuffing box based mechanism is used for this purpose. Impeller is mounted on bearings, but at suction side of impeller, since it will block the cantilever. Cooling oil is necessary for their technical support and creation. This is the basic principle of centrifugal pump. ये इसका सक्शन साइड है, इससे पानी ये इस वेन से फिर इस केसिंग से टकराता है, यूं ये डिस्चार्ज पाइप से बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट वन दैट इज जेट पंप. ये जो घरों में पंप लगा होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लाल पंप, उसको हम जेट पंप बोलते हैं. इसके अंदर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही लगा होता है, लेकिन इसके साथ नोजल एंड वेंचुरी असेंबली भी लगी होती है. तो ये इसका बेसिक जो डिफरेंस है, ये देख, इधर से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसका फुट वॉल्व, ये इंटेक पाइप है, और पानी इधर से जा रहा है, ये इधर से आउट हो जाएगा. लेकिन अगर आउट वॉल्व बंद है तो फिर ये वापस आ जाएगा, इधर ही घूमता रहेगा इन पाइप्स के थ्रू, ऐसे ऐसे इधर घूमता रहेगा. ये वाला मैकेनिज्म जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप में नहीं है. तो अगर उसमें आउटलेट वॉल्व बंद कर दें तो वो ये पाइप फट जाएंगे और इसको भी नुकसान होगा. तो ये इसके अंदर एडिशनल चीज़ है, ये नोजल से लगी हुई है और ये वेंचुरी है. वेंचुरी जैसे आपने देखा कि उसका जो पाइप है वो आगे जाकर तंग हो जाता है, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है. और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये ज़्यादा नीचे, इसका सक्शन लिफ्ट बहुत ज़्यादा है, ये नीचे गहराई से ज़्यादा जो है नीचे इसकी बोर डेप्थ, अगर जहाँ पर पानी जो है काफ़ी नीचे हो तो वहाँ से ये यूज़ किया जाता है, इसको ज़्यादा नीचे से पानी निकालने के लिए. आगे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द पंप. इसमें डीप वेल टर्बाइन पंप है और सबमर्सिबल पंप है. तो ये डीप वेल टर्बाइन पंप जो है ये हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो हमारा इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वर्कशॉप में ये लगा हुआ है. इसके अंदर देखें आप, ये मल्टी स्टेज पंप है, ये तीन इंपेलर लगे हुए हैं इसमें. तो जिसमें इंपेलर ज़्यादा हों एक से, उसको हम मल्टी स्टेज पंप बोलते हैं. अगर एक है तो सिंगल स्टेज, अगर ज़्यादा है तो मल्टी स्टेज पंप. और मल्टी स्टेज पंप का मकसद होता है हाई हेड के लिए, जब हमें हाई हेड रिक्वायर्ड हो तो हम मोर देन वन इंपेलर यूज़ करते हैं. और ये जो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, इसके अंदर इंपेलर जो नज़र नहीं आ रहा, इसको हम बाउल असम्बली भी बोलते हैं. तो ये मल्टी स्टेज पंप है और इसको हम वर्टिकल टर्बाइन पंप भी बोलते हैं. इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये पानी के अंदर डूबा होता है, जबकि ये मोटर वाला हिस्सा है ये पानी के अंदर सबमर्ज नहीं होता. और इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ नहीं कर सकते. वाटर सरफेस जो है वो ज़्यादा बिलो हो
प्रैक्टिकल लिफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप से, जहां सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क ना कर सकता हो, पानी ज़्यादा नीचे हो, वहां पर हम डीप वेल टरबाइन पंप यूज़ करते हैं। आगे है सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप बेसिकली डीप वेल टरबाइन पंप ही है, इसके साथ ही मोटर जो है वो क्लोज कपल्ड होती है और ये पूरा डिप होता है पानी के अंदर। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है हमारा, उस डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है उसके फ्रंट पे आगे छोटा सा लॉन है, उसके अंदर ये लगा हुआ है। तो ये उसकी सिर्फ वो वायरिंग शायरिंग नज़र आती है, बाकी ये सारा ज़मीन के नीचे होता है, ये डिप्ड होता है पानी के अंदर दोनों। इसके इसमें सिर्फ ये पंपिंग जो पंप वाला हिस्सा है वो पानी में डिप होता है, मोटर ओपन होती है, जबकि सबमर्सिबल में दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी में डिप होती हैं। ये देखें, ये स्ट्रेनर लगी हुई है। तो ये 4000 मीटर डीप पानी को अगर हमने निकालना हो तो उसके लिए ये सबमर्सिबल पंप यूज होता है, जिसके लिए मोटर की जो कैपेसिटी है वो 250 हॉर्स पावर होनी चाहिए और पाइप की केसिंग जो है वो 20 सेंटीमीटर हो। ज़्यादा गहराई से पानी, फर्दर ज़्यादा गहराई से जाना निकालना हो उसके लिए हम सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। फिर है सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज पंप। जैसा कि मैंने बताया पीछे के नंबर ऑफ इंपेलर्स अगर ज़्यादा हों, ये मल्टी स्टेज है। अगर सिर्फ ये इतना होता, ये वाला हिस्सा ना होता, तो हम कह सकते थे सिंगल स्टेज। तो मोर देन वन इंपेलर जब पंप में यूज़ किए जाते हैं फॉर हैविंग हाई हेड्स, देन मल्टी स्टेज पंप यूज्ड। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जियोमेट्री ऑफ द इम्पेलर, इसमें एक्सियल फ्लो है, मिक्स्ड फ्लो है और रेडियल फ्लो है। तो एक्सियल फ्लो वो पंप जिसमें वाटर पुशेस अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जो इम्पेलर की रोटेशनल मोशन है उसके जिस प्लेन में वो मोशन है उसके परपेंडिकुलर अगर वाटर मूव कर रहा है तो एक्सियल फ्लो है, अगर उसी के एक्सिस में मूव कर रहा है सेम एक्सिस में यानी पैरेलल मूव कर तो फिर उसको हम बोलते हैं रेडियल, और अगर उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर के दरमियान कहीं किसी एंगल पर है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो पंप। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की टाइप्स हैं। फर्दर अगर हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए, जैसे स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, बबलर है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी पंप को, मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पज़ एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ जेट पंप यूज्ड। तो चूंकि इरिगेशन में हमें जो है वो हेड ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, वाइल जेट पंप आर यूज्ड फॉर हाई हेड्स एंड लो डिस्चार्ज। तो घरों के अंदर जो पंप जेट पंप यूज़ किया जाता है उसमें आपको पता है कि 2-3-4 मंजिलों के ऊपर भी पानी ले जाया जा सकता है, तो हेड ज़्यादा चाहिए होता है इन नॉर्मल केस, और पानी की क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती, जबकि हमें इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम जो है वो पानी का हेड कितना चाहिए होता है, चंद सेंटीमीटर, चंद इंचेस, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 3 इंच वाटर जो है वो एवरेजली हमें रिक्वायर्ड होता है। इरिगेशन जो डेप्थ है किसी भी क्रॉप के ऑलमोस्ट 3 इंच हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर हेड नहीं हमें मैटर करता, हमें डिस्चार्ज मैटर करता है, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ड्रेनेज पर्पज़ के लिए मोस्टली जो पंप यूज़ किया जाता है वो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सियल फ्लो पंप। इसी तरह सीवेज, जो सीवेज पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सीवेज पंप। वी हैव नो कंसर्न विद दीज टाइप्स ऑफ पंप्स। तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप और घरों में जेट पंप। यू कैन ऑब्जर्व बाय योरसेल्फ एट योर होम और
anywhere nearby where jet pump is installed, you can see that LAL pump is installed. There will be two types of pipes which are going downward. तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप अपने घर में या कहीं भी आसपास पंप में दो तरह के पाइप नीचे की तरफ जा रहे होंगे, एक से पानी ऊपर आ रहा है, दूसरे में वो विंचूरी से लगी है और वो रीसर्कुलेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमें मोटर से मोटर को पावर दी जाती है वो है इलेक्ट्रिकल पावर, उसको हम कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। फिर मोटर जो है वो शाफ्ट को घुमाती है और शाफ्ट से पंपिंग का जो या तो पिस्टन है या फिर वो इंपेलर है वो घूमता है। तो जो पंप को पावर मिलती है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक हॉर्स पावर। तो मोटर के लिए जो इनपुट हॉर्स पावर है वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है और जो आउटपुट हॉर्स पावर है वो ब्रेक हॉर्स पावर है, उसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। और फिर वही ब्रेक हॉर्स पावर पंप को मिलती है, पंप उस ब्रेक हॉर्स पावर को वाटर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करता है। तो पंप के लिए जो इनपुट हॉर्स पावर है वो ब्रेक हॉर्स पावर बनेगी और आउटपुट हॉर्स पावर वाटर हॉर्स पावर। और मोटर की एफिशिएंसी जो है यू नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो मोटर की एफिशिएंसी ई मींस एफिशिएंसी, एम मींस मोटर। एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है इस केस में, ब्रेक हॉर्स पावर BHP एंड इंडिकेटेड हॉर्स पावर IHP एज ए इनपुट। इसी तरह जो पंप की एफिशिएंसी है विच इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ इनपुट, आउटपुट इसमें केस में क्या है वाटर हॉर्स पावर और इनपुट क्या है ब्रेक हॉर्स पावर। तो पूरे पंपिंग प्लांट की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग प्लांट इज इक्वल टू मोटर एफिशिएंसी एंड टू पंप एफिशिएंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे जो पंपिंग प्लांट की एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी आउटपुट क्या है इसमें हमारे पास वाटर हॉर्स पावर और इनपुट क्या है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, तो वो होगी वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें EM into EP तो ये डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय ये, तो BHP कट जाएगा इस PHP से तो बाकी बच जाएगा WHP डिवाइडेड बाय IHP। तो जो पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी है वो हमारे पास होगी वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो वाटर हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्यू इंटू एच डिवाइड बाई 6। दो तरह से ये इक्वेशन है, या तो वाटर हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्यू एच ओवर 76 है या फिर गैमा क्यू एच ओवर 550 है। इस केस में यूनिट जो है वो क्यू के लीटर पर सेकेंड है और एच मीटर में है। अगर क्यूसेक में लेना है डिस्चार्ज तो फिर ये फार्मूला है, क्यूबिक फिट पर सेकेंड में है क्यू इस केस में और एच जो है वो फिट में है। तो गैमा आपको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, दैट इज इक्वल टू 62.4 पाउंड्स पर क्यूबिक फिट। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।